जय हिंद साथियों। साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने एसएससी फेज 12 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और आप पेमेंट करना भूल गए हैं या पेमेंट किसी कारण से आप नहीं कर पाए हैं तो घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपना पेमेंट कैसे कम्प्लीट करना है, फीस पेमेंट कैसे 100 रुपये कम्प्लीट करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं फीस पेमेंट करने की वजह से वो फार्म अपना अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको आसानी से जो है पेमेंट करना बताएंगे। तो सर्वप्रथम मोबाइल स्क्रीन में आना है, गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है, आपको जो है ssc.gov.in डाल के सर्च करोगे तो फर्स्ट ही ऑप्शन दिखाई देगा ssc.gov.in, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो SSC की जो न्यू साइट ओपन हुई है जहाँ से आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जो है लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर होता है, तो आप जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर, यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड फिल करके जो है कैप्चा कोड फिल करके जो है लॉगिन के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम सारा चीज़ फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं। तो सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको जो है नीचे आना है, स्क्रोल करते हुए नीचे आने के बाद आपको जो है लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो है आपकी प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप जितने भी फार्म SSC के अप्लाई किए होंगे उन सभी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ कैंडिडेट पोर्टल्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखोगे कैंडिडेट की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ लाइव एग्जामिनेशंस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो इसका स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है, करेक्शन डेट है, पेमेंट का लास्ट डेट जो है यहाँ सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपको जो है माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप जो है पहले से फार्म कर लिए हैं तो आपको माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी वैकेंसियाँ चल रही हैं और जिसका भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पर SSC फेज 12 की जो वैकेंसी थी इसका जो है हमने पहले से ही फॉर्म अप्लाई कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पर आपको बताया गया है सारा कुछ सिस्टम, आपको यहाँ पर बताया गया है, आप इसको जो है देख सकते हो। उसके बाद यहाँ देखोगे तो एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो बस आपको यही मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके जो है अपना 100 रुपये जो है फीस पेमेंट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे मेक पेमेंट, उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप जैसे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, पे का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑनलाइन दिखाई देगा, 100 रुपये दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो इंडिया में जितने भी आपका जो है माध्यम होते हैं पेमेंट करने के उन सभी का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, उसके बाद अदर बैंक डेबिट कार्ड, जो भी आपके डेबिट कार्ड हो, उसके बाद यहाँ प्रीपेड कार्ड, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड का ऑप्शन है। उसके बाद सबसे आसान माध्यम जो होता है भाई ना, जो सारे स्टूडेंट के पास होता है वो है UPI। अगर आप जो है स्टूडेंट है तो आप UPI तो चलाते ही होंगे, तो आप जो है UPI से अपना जो है 100 रुपये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका फार्म जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो UPI पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप UPI पे क्लिक करोगे भाई ना तो यहाँ पर आपकी जो है पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएगी, यहाँ नीचे प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके पास दो मोबाइल फ़ोन है तो आप QR कोड को भी स्कैन करके जो है आप जो है अपना पेमेंट जो है कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो आप जो है UPI ID आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर UPI ID आपको दो बार डालना पड़ेगा, यहाँ पर BPA, उसके बाद यहाँ पर दो बार हम जो है अपना UPI ID फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ कन्फर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। आप अपना चेकआउट कर सकते हो भाई, यहाँ पर आपको जो है अपनी UPI ID फिल करना है, उसके बाद कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही भाई आप कन्फर्म के बटन पे क्लिक करोगे ना तो आप जहाँ से भी अपना UPI ID कॉपी किए होंगे, जैसे आप जो है दो बार आपको यहाँ कन्फर्म के बटन पर क्लिक करोगे, जिस ऐप से आपने UPI ID कॉपी किया है उस ऐप में एक रिक्वेस्ट भेज दिया जाएगा, जो SSC का जो पेमेंट कंडक्ट करता है उसके द्वारा भेज दिया जाएगा, जहां से आप जो है उस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जो है अपना 100 रुपये कंप्लीट करना है। तो हम जो है यहां आपका चल रहा है, आपका पेमेंट जो है आपके जो है जहां से भी आपने कॉपी किया है, तो यहां पर हमने पेटीएम से कॉपी किया था UPI ID, तो यहां से हमने पेटीएम से 100 रुपये कंप्लीट कर दिया है भाई। अगर आपका पेज इरर होता है तो इससे कोई दिक्कत ना है।